हिमाचल में प्रियंका गांधी की रैली को किसने किया हाईजैक? हमीरपुर में रैली की चल रही थी तैयारियां, अंतिम समय बदली जगह। हमीरपुर की जगह ऊना में रैली करने को क्यों मजबूर हुई प्रियंका? क्या कांग्रेस के दिग्गजों को दिखाई दे रही है अपनी हार? हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहा है, प्रचार में अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की फौज उतार रखी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की बागडोर प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। सोनिया गांधी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हें यात्रा को छोड़कर इस समय और कुछ नहीं दिख रहा है। वो उन स्थानों पर रैलियां और रोड शो कर रहे हैं जहां साल भर तक चुनाव नहीं होने वाले हैं, और जहां चुनाव है वहां वो प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में राहुल ने एक भी रैली नहीं की है और ना ही चुनाव प्रचार के बाकी बचे हिस्से में उनके आने का इरादा है। सिर्फ प्रियंका गांधी प्रचार करते दिखाई दे रही हैं और जो कमी रह गई उसे स्थानीय नेता पूरी कर रहे हैं। प्रियंका की रैली की डिमांड कांग्रेस का हर नेता कर रहा है, लेकिन रैली उसी क्षेत्र में रखी जा रही है जहां मुकाबला बेहद कांटे का दिख रहा है। लेकिन प्रियंका की रैली की डिमांड जिस तरह कांग्रेस का हर उम्मीदवार कर रहा है उससे साफ दिख रहा है कि पार्टी का उम्मीदवार खुद को फंसा हुआ पा रहा है। 7 नवंबर को प्रियंका गांधी की हमीरपुर में रैली होनी थी, प्रचार के पोस्टर छप गए थे, कुछ स्थानों पर तो ये पोस्टर लग भी गए थे। रैली की जगह तय हो चुकी थी, हमीरपुर के नादौर में रैली होनी थी, लेकिन अंतिम समय पर उसे ऊना के हरोली में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया इस पर पार्टी का कोई भी नेता कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ऊना में कांग्रेस को खतरा दिख रहा है, इसलिए प्रियंका की रैली को हरोली से ऊना शिफ्ट कर दिया गया। ऊना मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे मुकेश अग्निहोत्री का गृह जिला है, और सबसे बड़ी बात तो ये हरोली से मुकेश अग्निहोत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कांग्रेस की जो सबसे मजबूत सीट थी वही फंस गई है। पहले जो कार्यक्रम तय किया गया था उसमें ऊना में रोड शो होना था, जबकि दोपहर के वक्त हमीरपुर में रैली रखी गई थी, लेकिन कांग्रेस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रियंका का कुल्लू, ऊना और चंबा का रोड शो रद्द कर दिया और अंतिम समय में रैली के स्थान में बदलाव भी कर दिया गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रैली में बदलाव के पीछे मुकेश अग्निहोत्री का हाथ है, क्योंकि पहले रैली हमीरपुर में हो रही थी जहां से सीएम पद के दूसरे दावेदार सुखविंद्र सिंह सुक्खू चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में रैली की शिफ्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि हाईकमान की नजरों में सुक्खू पर अग्निहोत्री भारी पड़ गए हैं। रैली में अंतिम समय में बदलाव होने से हमीरपुर कांग्रेस के नेता भी नाराज बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से पार्टी के लिए सुरक्षित माने जाने वाली सीटों पर भी प्रियंका गांधी को रैली करना पड़ रही है, तो फिर उन सीटों के हालात क्या होंगे जहां बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। चुनाव से पहले जो सीट कड़े मुकाबले की मानी जा रही थी वहां स्थितियां क्या बनेंगी। एक ओर बीजेपी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला, तो कांग्रेस पूरी तरह से क्षेत्रीय नेताओं पर ही आश्रित होकर रह गई है। सिर्फ प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में दिख रही है। ऐसे में हिमाचल की जो बाजी कांग्रेस जीतते दिख रही थी वो चुनाव के अंतिम दौरे में कमजोर पड़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।